हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आपको ऋतु के किचन में आप सबके स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे, ये एक बड़े साइज के आलू है, ये 100 ग्राम सेंगा है और एक ककड़ी है, एक बैंगन है, एक आलू है, एक टमाटर है और देने के लिए धनिया और थोड़ा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर और हल्दी, मिर्ची, कलौंजी तड़का लगाने के लिए। तो आइए आप देते हैं हम सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। बैंगन को फ्राई करेंगे। हम थोड़ा सा बैंगन को नमक और हल्दी से मैरिनेशन करेंगे। जैसे तेल गर्म हो जाए वैसे ही हम बैंगन डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब दे रहे हैं हम बैंगन। बैंगन को फ्राई कर रहे हैं। 2 मिनट बैंगन को फ्राई करने के बाद अब बैंगन हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। अब दोस्तों इसमें जाएगा थोड़ी सी कलौंजी यानी कालू जीरा, सूखा लंका यानी लाल मिर्च। ये सब्जी विदाउट प्याज, विदाउट लहसुन के बन रही है। प्याज लहसुन छोड़ के बन रहा है इस सब्जी के डाल रहे हैं और टमाटर डाल रहे हैं। पहले थोड़ी सी नमक डालता हूँ ताकि प्याज, ताकि टमाटर जल्दी पिघल जाए।
फ्राई हो गया है। अब सारे सब्जी को यहाँ डालेंगे। और ये जीरा, धनिया और मिर्ची ये भी डाल देंगे। थोड़ा वाटर मिक्स करके नमक कम ज़्यादा हो सकता है, अब अपने हिसाब से दीजिए। और थोड़ा गर्म पानी मिलाकर उसको सीजने के लिए दे देंगे। मैं यह गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ, आप भी गर्म पानी ही यूज़ करें। सब अब ढकेंगे इसको 2 मिनट। और 2 मिनट पके तो हम डाल देंगे धनिया। हो चुका है, धनिया डालेंगे और उतार देंगे। अब हम इसको उतारेंगे। हमारा सब्जी हो चुका है, आप इसे चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे चावल के साथ दे खाइए, पर खाइए ज़रूर। और कैसा हुआ है ज़रूर बताइएगा हमें। दोस्तों हमने वीडियो में भिंडी भी बनाया था, पर नेटवर्क प्रॉब्लम था तो दिखा नहीं पाए। बाद में कभी और दिन दिखा देंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए।